अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी तुबा बकार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एमटी आर्ट फ्यूजन। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू पुट मसाला ऑन दिस चिकन अंडर द गाइडेंस ऑफ माय मदर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैंने आज ये काम सीखा है तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ ताकि आप लोग भी इस चीज़ को सीखें। जो सी लड़कियाँ मेरे जैसी हैं उनको इतना अभी उनका स्टार्ट है इतना नहीं आता, तो उन वो लोग भी सीख जाएँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये मैंने लेग पीस लिए और इनके ऊपर मैंने इस तरह से सारे कट्स लगा दिए ताकि इनके अंदर मसाला अच्छी तरह चला जाए। कट्स लगा दिए मैंने। अब मैंने ये अप्रॉक्सीमेटली 6 लेमन्स का मैंने जो है वो जूस, वो लेमन को स्क्वीज कर लिए। अब मैं इसके ऊपर स्पून के साथ इस तरह लेके इसको मैं इधर रखती हूँ और इसके ये जो स्पेशली जो कट्स हैं उनके अंदर मैं अच्छी तरह से ये लेमन लगा दूंगी ताकि इस तरह अगर आप स्पून्स के साथ लगाएंगे ना तो आपके हर पीस में इक्वली लेमन चला जाएगा। उस तरह फिर ये होता है कि किसी एक पीस में ज़्यादा हो गया, एक में कम हो गया, इस तरह आपको अंदाज़ा रहेगा। हाँ जी जी, तो ये मसाला अच्छी लेमन जूस जो है वो अच्छी तरह कट्स के अंदर लग गया, इसको मैंने अच्छी तरह लगा दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने स्पाइसेस की तरफ आना है। ये मैंने लिया 3 टेबलस्पून्स ऑफ योगर्ट, इसके अंदर हमने ये स्पाइसेस डाले हैं। सबसे पहले ये है मेरे पास जिंजर पाउडर और ये है मेरे पास गार्लिक पाउडर। ये मेरे पास हैं 1 टेबलस्पून। अगर आप लोगों के पास पाउडर नहीं है तो आप लोग पेस्ट भी यूज़ उसका कर सकते हैं, पेस्ट घर में भी बन जाता है और पेस्ट जो है वो बना बनाया भी मिल जाता है। ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। बस बाकी के स्पाइसेस हैं, इनमें है ये सॉल्ट हमने लेना है तकरीबन 1.5 टेबलस्पून। जितना हमारे पास चिकन है ना, चिकन हमारे पास तकरीबन 1.5 किलो है, उतना ही हमने उतने टेबलस्पून हमने सॉल्ट लेना है और उतने ही टेबलस्पून हमने जो है वो रेड चिली लेनी है। लेकिन आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। उतना ही मैंने 1.5 टेबलस्पून सॉल्ट एंड 1.5 टेबलस्पून अप्रॉक्सीमेटली रेड चिली, ब्लैक पेपर है 1/2 टेबलस्पून, ये हमारे पास है पाउडर ऑफ कोरिएंडर, सूखे धनिया का पाउडर वो हमने लिया 1 टेबलस्पून ही लिया, और ये गरम मसाला है ये हमने तकरीबन 1/2 टेबलस्पून लिया, और ये जो हमारे पास अजवाइन है ये बहुत थोड़ी सी तकरीबन 1/2 टीस्पून। ये हमने सारे जो स्पाइसेस हैं उनको इस तरह से अलहदा कर लिया और इसके अंदर ऐड। अच्छा, आप लोग अगर स्पाइसेस को इस तरह पहले अलहदा करके निकाल लें ना तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, फिर वो पता चल जाता है कि हमने कितना डाला है और कितना नहीं। अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और इसको जो है वो इसके ऊपर अच्छी तरह कट्स के अंदर लगाना है। ये हमारे पास जो है वो पेस्ट रेडी हो गया, बहुत अच्छा सा फाइन सा। अब हमने इसको जो है कट्स के अंदर अच्छी तरह पहले कट्स के अंदर लगाएंगे, फिर उसके बाद जो बच जाएगा उसको हम सारे चिकन के ऊपर अच्छी तरह से रब कर देंगे। इसको हमने हाथों से ले लें क्योंकि ग्लव्स तो हमने ऑलरेडी पहन लिए हैं, या स्पून से ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये देखें, कट्स का लगाने का यही मकसद है कि चिकन जो है वो अंदर तक उसके अंदर फ्लेवर जो है वो ऐड हो जाए। जो है ये मैं डालना भूल गई थी, अभी मेरी मामा आई हैं और उन्होंने मुझे बताया कि इसके अंदर ये भी डालना था। तो जिसको हमने इसको पीस को मसाला लगा लिया इसको हम ऐसे रहने देंगे और इसको जो है ना मिक्स करके अच्छा। तो जर्दा रंग जो है वो मैं भूल गई थी और अभी मामा ने आके ऐड किया है, तो जर्दा रंग ये कि इसका कोई टेस्ट तो नहीं है लेकिन ये कि इसके साथ जो है ना ये देखें साथ ही कलर आने लग गया। तो अगर आप नहीं भी चाहते लगाना तो ना भी लगाएं अगर आपको कलर नहीं चाहिए, लेकिन ये कि हम जरा इसको थोड़ा येलोइश करते हैं। चलिए मैं सारे पीसेस को अच्छी तरह मैरिनेट करके फिर आती हूँ। हाँ जी जी, तो इसको मैंने अच्छी तरह से मैरिनेट कर दिया
वो पहले पेस्ट जो था वो बहुत थिक लग रहा था, लेकिन योगर्ट में जो होता है वो पानी होता है तो वो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड हो जाता है। मैंने इसको अच्छी तरह मैरिनेट कर दिया है। अब मैंने तो इसको फ्रीज करना है, तो उसको मैं किसी एयर टाइट कंटेनर में डालूंगी, जिस तरह के ये, इसको मैं ऊपर से अच्छी तरह इसको कैप करके, और एयर टाइट कंटेनर है ये। लेकिन अगर आपने इसको फौरन जो है वो फ्राई करना है या स्टीम करना है, फौरन कुक करके खाना है, तो आपको कम से कम 2 या 3 घंटे पहले आपको इसको मैरिनेट करना है। इसको आप मैरिनेट करके फ्रिज में रख दें और फिर 2-3 घंटे बाद इसको निकालें और इसको कुक करना है। लेकिन मैंने अभी इसको फ्रीज़ करना है 2-3 दिनों के लिए या जब भी, तो मैं इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल के मैं आपको दिखाती हूँ। मम्मा ये इसमें पूरा तो नहीं आएगा? नो। चलो ये मैं इनको जो है वो कंटेनर में रख रही हूँ, लेकिन मैंने फ्रीज़ करना है। मैं इसको पहले 2-3 घंटों के लिए फ्रिज में रखूँगी, फिर इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। आप लोग अगर इसको ओवरनाइट मैरिनेट करके फ्रिज में रख के फिर कुक करके खाएं, फिर तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ये मैंने इसको कंटेनर में रख दिया है। अब इसके ट्रे में जितने भी स्पाइसेस थे वो मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह से डाल दिए। अब मैं अपने ग्लव्स उतारूँगी सबसे पहले, क्योंकि कैप जो है वो साफ हाथों से इसके ऊपर लगाना है। वैसे मेरे हाथ टिश्यू से मैं इसको अच्छी तरह अपने हाथों को साफ करूँगी, और ये अच्छी तरह से एयर टाइट कंटेनर में पैक कर दिया। इसको अब मैं 2 घंटे के लिए पहले फ्रिज में रखूँगी, फिर उसके बाद मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। आप लोगों ने अगर इसको फौरन बना के खाना है तो आप लोगों को कम से कम 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रखना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने भी मेरी तरह इसको फ्रीज़ ही करना है, तो इसको जब हम ये फ्रीज़ हो जाएगा तो इसको बनाने से तकरीबन 1 घंटा या 2 घंटा पहले हमने इसको निकाल के बाहर रख देना है, इसका पानी जो है वो अच्छी तरह निकल आएगा। फिर उसके बाद अगर आपने इसको स्टीम करना है तो स्टीम कर लें, बेक करना है बेक कर लें, अगर आपने इसको ग्रिल करना है या फ्राई करना है वो आपकी मर्ज़ी है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी रेसिपी से आप लोगों ने कुछ सीखा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।